आदाब, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। तो साथियों, आज है पार्ट नंबर 2, बा, सा और फा के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इन्हें जोड़कर कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बा प्लस सा बस, फा प्लस ला फल, बसा बस फा ला फल। इसके बाद है सा बा प्लस सा बस। अब इसके बाद यहाँ पे अलग करके दिखाया है, प्लस का साइन लगाना है और इक्वल का, बा प्लस सा बस, फा प्लस ला फल, प्लस का साइन लगाना है, फा प्लस ला फल। इसी तरह यहाँ पे आगे दिया है सा प्लस बा सब, ला प्लस बा लब। इसके नीचे पढ़ो कहा है, चलिए पढ़ते हैं। बा सा फा ला घा और रा, इन अक्षर का यूज करके हमें जो है शब्द बनाना है। जैसे बा है रा प्लस बा रब, रा प्लस सा रस, फा प्लस ला फल, ला प्लस बा लब, घा प्लस ना घन, ना प्लस रा नर, बा प्लस सा बस, सा प्लस बा सब, ना प्लस ला नल, बा प्लस ला बल, घा प्लस रा घर, रा प्लस बा रब। साथियों, इसके नीचे जैसा कि हर पार्ट के अंदर होता है कि अक्षरों को बनाना सिखाते हैं, इससे पहली वीडियो में हमने इससे पहले वाले अक्षर बनाए थे। अब यहाँ पे बा सा और पा बनाना, पा और फा बनाना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आपको सबसे पहले इस तरह राउंड करना है, ठीक है। इस तरह राउंड करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे क्रॉस डंडा खींचेंगे, इस तरह राउंड करेंगे, क्रॉस डंडा खींचेंगे और फिर एक डंडा सीधा, इस तरह राउंड करेंगे, एक क्रॉस डंडा खींचेंगे, फिर इस तरह सीधी लाइन और फिर इस तरह, और ये इस तरह पूरे में प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद है साथियों रा, सा कैसे बनेगा, रा की तरह। पहले रा की तरह आप सीधा करेंगे और फिर इसे थोड़ा सा मूव करते हुए रा की तरह बनाएंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे सीधा डंडा, रा की तरह बनाएंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे सीधा डंडा और फिर ऊपर से भी सीधा। साथियों एक बात याद रहे, छात्र जितने भी हैं, कि ऊपर भी और नीचे भी लाइन के मिला के लिखना है। अब साथियों पा है, पा इस तरह घुमाएंगे और फिर पा इस तरह घुमाएंगे सीधा डंडा, तो सीधा डंडा बाद में आया। इसी तरह फा, पहले इस तरह, ठीक है साथियों, पूरा न्यू मूव होगा और बाद में बीच में डंडा, पहले पूरा न्यू मूव होगा बाद में डंडा, फिर ऊपर से ये डंडा। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो समझ आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और जहां तक हो सके इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि सभी देशवासी हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। धन्यवाद।